हम आए हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध मार्केट सीताबर्डी में जानने के लिए कि दिवाली का यहाँ पे क्या माहौल है। आइए जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं लाइटिंग से। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको MNS लाइव की तरफ से। ग्राहकों का क्या प्रतिसाद है आप बताइए प्लीज़ लाइटिंग के बारे में। अभी ग्राहक अपनी घर की साफ सफाई के बाद आ रहे हैं डेकोरेशन की लाइट्स लेने। बस इस बार थोड़ा महंगा है तो कम इंटरेस्ट दिख रहा है कस्टमरों का। किस रेंज से लेके किस रेंज तक लाइटिंग है आपके पास? 20 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की लाइटिंग है। ग्राहकों को ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है? ग्राहकों को सस्ता चाहिए तो जो 20 रुपए वाली 30 रुपए वाली वही ग्राहक लेके जा रहे हैं। ये आपकी बेटी है? भतीजी है। इनके लिए क्या बताएंगे आप इसकी दिवाली के बारे में खास? सेफ हो, पटाखों से सावधान रहे बस। तो देखा आपने ग्राहकों का प्रतिसाद लाइटिंग से। अभी घर की साफ सफाई हो चुकी है। हम आए एक सुंदर से इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में और यहाँ हमें चाइना मेड के साथ साथ इंडियन मेड देखिल हमें आकाश कंदील दिखाई दिए हैं। आप बताइए ये इंडिया के हैं क्या? हाँ मैम, ये इंडिया के हैं, ये भी इंडिया के हैं, ये पूरा आइटम इंडिया का। और इनकी प्राइस बताइए। ये 300 रुपए का है, ये 100 रुपए के पूरे लैंप है। ग्राहकों में क्या क्रेज है इनकी? बहुत ज़्यादा, पूरे टोटली खत्म हो चुके हैं, बस हार्डली इतने ही पीस बचे। ये बनते कहाँ है, आपने कहाँ से लिए? ये इंडिया में ही बनते हैं, अभी यहाँ ही बनते हैं। हाँ, कौन से? दिल्ली, इंदौर, दो जगह बनते हैं। तो देखा आपने, हमेशा ये कहा जाता है कि दिवाली आई तो चाइना मेड दिल्ली, ये इंडिया के देखिए आप। हमारे कैमरा मैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएंगे इसकी खूबसूरती, इंडिया मेड आकाश कंदील की खूबसूरती वो दिखाएंगे आपको। इनकी दुकान में कुछ ग्राहक भी आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम आप खरीदने आए हैं? हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही बर्डी में रही थी। बर्डी में रहती हूँ। आपने ये ले लिए लाइटिंग? नहीं अभी नहीं लिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ चाइना मेड भी है और इंडियन भी है, आप क्या प्रीफर करेंगे, क्या लेना चाहेंगे? इंडियन। आपको कैसी लगी इसकी खूबसूरती? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। ये थी रजनी ताई और ये उन्होंने बताया है कि वो इंडियन सीरीज ही खरीदी। दिवाली पटाखों के बगैर अधूरी है। हम आए हैं सीताबर्डी के एक होलसेल दुकान में है मॉडर्न ट्रेडर्स। आइए बात करते हैं इस बार दिवाली में पटाखों की बिक्री, इसके बारे में उनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। गुलाम भाई। आप हमें पटाखों की थोड़ी जानकारी दीजिए, बिक्री कैसी है, ग्राहकों का प्रतिसाद कैसा है और ये प्रदूषण के बारे में थोड़ा बताइए। अभी ऐसा है कि पटाखे तो बहुत सी वैरायटी के हैं और अभी जितने भी कंपनियों ने बनाए हैं पटाखे तो उनको पहले एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि पोल्यूशन ना हो, तो इसीलिए पोल्यूशन के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको, लेकिन पोल्यूशन में इतना है नहीं इसमें पटाखों में। और जैसा साउंड लेवल वगैरह जो है इनका वो भी कम ही है। अब जैसे कल आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें भी आया है कि जैसे एटम बॉम्ब है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उस पर साउंड लेवल है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो इसके वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी पब्लिक को कि पॉल्यूशन है या आवाज़ ज़्यादा है, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। अब तक ग्राहकों का प्रतिशत कैसा है क्योंकि दिवाली आने के लिए अभी और 3 दिन बाकी है? वैसे तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, पब्लिक अवेयर तो है, फटाके तो फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट भी है और साउंड भी है, तो उसमें उनको फटाके तो ज़रूरी है। बच्चे भी डिमांड करते हैं, अभी स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो उसमें तो सेल तो अच्छा ही रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा सेल। जैसे कि इन्होंने बताया कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें साउंड और लाइट दोनों की बहुत ज़रूरत है और ग्राहकों का प्रतिसाद भी पटाखों के इस दिवाली में भी बहुत अच्छा है। अब हम आए हैं चांडक कटपीस एंड कंपनी सीताबर्डी की एक और मशहूर दुकान के पास। दिवाली बोलने से पटाखों के साथ साथ मिठाइयों के साथ साथ सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो कपड़ों की। बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े, बुजुर्गों के कपड़े, कपड़ों के बगैर दिवाली नहीं हो सकती, तो नए कपड़ों के प्रतिसाद क्या है, आइए हम अंदर जाके ग्राहकों से पूछते हैं। कैसा प्रतिसाद चल रहा है साड़ियों का, कपड़ों का? बहुत अच्छा चल रहा है। गिरायक आ रहे हैं और अपने अपनी चॉइस की साड़ियाँ ले रहे हैं और लाचे चल रहे हैं। अच्छा, इस बार लाचे का ट्रेंड है साड़ियों के साथ साथ। क्या खरीदने आए हैं ग्राहक लोग? मैं अपने कैमरामैन इनसे विनती करूंगी कि एक
इनके दिवाली के लिए विशेष कुछ आया है कि ये बताइए, विशेष साड़ियाँ या लाचे में नया पैटर्न क्या चल रहा है? नया पैटर्न दिखाती हूँ मैं आपको, एक आप बता दीजिए। नया पैटर्न लाचे में अभी आया है, वर्क वाला आया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला भी आया हुआ है, और साड़ियाँ है, कैटलॉग की साड़ियाँ चल रही है।